दोस्तों आपका मेरे टॉपर्स तक चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और आप मेरे चैनल को लगातार वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। दोस्तों कोई भी काम जो है अकेले नहीं होता, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ सब वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी भेजें ताकि जो बच्चे तक वीडियो नहीं है, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ, पृथ्वी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, आज हम चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे हैं। देखते हैं चंद्रमा क्या है और कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं चंद्रमा पर, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, पहले बता रखा है हमने आपको, और आपको पता अगर है तो ठीक है, नहीं पता है तो जान लें आप कि जो चंद्रमा को उपग्रह इसलिए कहा जाता है कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सूर्य है तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों तरफ। इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। चंद्रमा इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमसे बहुत पास है, नज़दीक है। और मैंने उस दिन बताया था कि कोई भी चीज़ जब पास होती है तो वो बड़ी दिखती है, और जब दूर होता जाता है तो वो छोटा दिखता है। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जब हवाई जहाज़ के पास होते हैं हम तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब धीरे धीरे आसमान में उड़ने लग जाता है, दूर चला जाता है, तो वह एक पक्षी की तरह दिखाई देता है, जबकि पास में वह बहुत बड़ा दिखाई देता है। ऐसे ही चंद्रमा है, यह हमसे लगभग 384,000 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस कितना है, 384,400 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हो। थोड़ा सा और यहाँ देख लेते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह कहा जाता है। अब है मानव निर्मित उपग्रह। एक कृत्रिम पिंड है या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। जैसे चंद्रमा है, जैसे पृथ्वी है, ऐसे ही इसी प्रकार का एक छोटा सा उपग्रह मानव के द्वारा बनाया गया होता है जो पृथ्वी की या जिस ग्रह पर उसे भेजा जाता है उस ग्रह की वो सारी जानकारी रिकॉर्ड करके पृथ्वी को भेजता है, और उसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस ग्रह पर कौन सी चीज़ें उपस्थित हैं। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, इनसेट है, IRS है, एडुसैट है, इत्यादि है। इस तरह के उपग्रह जो है वो भारत वो भेजे गए थे। आप देख लें थोड़ा सा किस प्रकार उपग्रह है, रॉकेट का प्रक्षेपण किस तरह से होता है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना ये देखिए, और फिर ये देखिए, और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। तो आपने देखा होगा, हमने वीडियो देखा है कि किस प्रकार यहाँ से कितना स्पीड से वहाँ जाता है, धीरे 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 वो खुलता जाता है एक प्लेट के बाद दूसरा, और धीरे धीरे एक ऐसा प्लेट वहाँ खुल जाता है, और उसके बाद वही वीडियो को रिकॉर्ड करके पृथ्वी में भेजता रहता है, जिसके आधार पे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। लाखों आकाशगंगा
बृहस्पति जो है, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग लगभग 12 साल लेता है और अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटा 50 मिनट लेता है। बृहस्पति के पास चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। शनि के पास, शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में करीब करीब 29.5 साल यानी 29 साल 5 महीने लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट लेता है। इसका मतलब है कि सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे अधिक टाइम शनि लेता है, क्योंकि मैंने बताया था कि सूर्य के सबसे जो दूर होगा वो ज़्यादा समय घूमने में लेगा। तो शनि जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, इसीलिए शनि जो है वो सूर्य के चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लेता है, जबकि अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटे 40 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। और शनि के जो उपग्रह की संख्या है, चंद्रमा की संख्या है, वो 53 है, 53 है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपका एक बड़ा सा टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ा सकता है, तो इसीलिए प्लीज़ आप सभी दोस्त शेयर करें वीडियो को, दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं और मदद कोऑपरेट करें। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.